पूज्य बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य हेतु श्री आशारामायण जी के 108 पाठ का अनुष्ठान 15 फरवरी से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक। वेदांत के सार श्री आशारामायण जी का पाठ करके लाखों साधकों ने अपना अपना संकल्प पूरा किया है, जीवन में प्रत्यक्ष लाभ लिया है। श्री आशारामायण जी की फलश्रुति में भी आता है, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। पूज्य बापूजी के श्रीमुख से हमने सुना है कि तुम्हारे संकल्प काम कर रहे हैं, करेंगे। अतः हम सभी साधक दृढ़ संकल्प करके पूज्य बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु हेतु श्री आशारामायण जी के 108 पाठ का अनुष्ठान अवश्य करें। साधक ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि 11, 15 या 21 दिनों में 108 पाठ पूरा करेंगे। दिनों के हिसाब से प्रतिदिन के पाठ की संख्या निश्चित कर लें। पाठ करने से पहले संकल्प करें, हमारे सद्गुरु भगवान संत श्री आशाराम जी बापू के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए मैं श्री आशारामायण जी का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। ओम ओम ओम। मेरा यह दृढ़ संकल्प ब्रह्मांड व्यापी हो रहा है। हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा। पाठ के पूर्व में तथा अंत में यही संकल्प बारंबार दोहराएं। यदि हो सके तो संकल्प करते समय हाथ में जल लें, इससे संकल्प प्रभावशाली हो जाता है। विशेष पूज्य बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य हेतु संत श्री आशाराम जी आश्रम YouTube चैनल से 15 फरवरी से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन रात 8 बजे से श्री आशारामायण जी के पाठ का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसी समय पर देश विदेश के सभी साधक संकल्प लेकर एक साथ एक ही समय पर पाठ में सहभागी हो सकते हैं। संभव हो तो स्थानीय आश्रमों में, सत्संग भवन में अथवा किसी साधक के घर में सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। यदि संभव न हो तो प्रत्येक साधक अपने अपने स्थान पर दिन में जब भी समय मिले तब कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक एवं समस्त आपत्ति विनाशक धर्मराज मंत्र ओम क्रौम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। जप शुरू करने से पहले और अंत में ये पूरा मंत्र पढ़ें और फिर माला से बीच में 4 बीज मंत्रों अर्थात ओम क्रौम ह्रीम आम मंत्र की 7, 11, 21 जितनी भी माला करना चाहे कर सकते हैं। हरिओम।